हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल फ्लेवर फिस्ट 24x7 में स्वागत है। आज आपको हम इंस्टेंट भरने वाली कचौड़ियों का मसाला तैयार करके बताएंगे कि ये कैसे तैयार करेंगे। आपको जल्दी ही आप कचौड़ी बनाना चाहती हैं तो इसको बना करके स्टोर कर सकते हैं। इससे आपको इतनी जल्दी से कचौड़ियाँ बन जाएंगी कि आपको कहीं भी जाने में 10 मिनट पहले ही कचौड़ियाँ तैयार हो जाएंगी। यह आपके लिए, आपके बच्चों के लिए काफ़ी हेल्दी और टेस्टी रहेंगी। आप एक बार इसको बना के जरूर ट्राई कीजिएगा। ये हमारा 2 कप बेसन है। जिस मेजरमेंट से हम लेंगे वो एक ही बर्तन से लेंगे। ये हमारा 2 कप बेसन है। ये मेरा 1 कप मक्के का आटा है। ये 1/2 कप चावल का आटा है। 2 चम्मच सूजी है। 1 कप मेरा ये उड़द की दाल का पिसा हुआ पाउडर है। और ये मेरा गर्री है कद्दूकस किया हुआ। ये ऑप्शनल है, आपका मन हो तो आप डालें, ना मन हो तो ना डालें। ये हमारा साबुत धनिया 1 चम्मच, जीरा 1 चम्मच, 2 चम्मच सौंफ और 1 लाल मिर्च। ये हमने कूट करके दरोड़ा दरोड़ा सा पीस लिया है। ये मेरी काली मिर्च है पिसी हुई 1/4 चम्मच। हींग है 1/4 चम्मच। ये आमचूर पाउडर है 1/2 चम्मच। गरम मसाला है 1/4 चम्मच। ये नमक है टेस्ट के अनुसार। ये अजवाइन है 1/4 चम्मच। ये मिर्च है कुटा हुआ, हमारा घर का कुटा हुआ अपने हाथ से। और ये हल्दी है। ये आप मिर्च और नमक ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम आपको इसे बनाना दिखाएंगे। अब हम एक बर्तन लेंगे, इस पर हमने अपनी कढ़ाई रख दी है, गैस ऑन कर दें। अब हम इसमें 4 चम्मच बड़े टीस्पून ऑयल डालेंगे। आप 5 भी डाल सकती हैं लेकिन ठीक रहेगा 4। मेरा ऑयल गर्म हो रहा है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। ये हमने जीरा सौंफ धनिया वाला डाला है, अजवाइन। अब गैस की फ्लेम धीमी कर दीजिए। हींग, हल्दी पाउडर, मिर्च और हम सब सामान बाद में डालेंगे। ये हमारा गर्मी है, थोड़ा सा फ्लेम बढ़ा लीजिए। अब हम इसमें पहले सूजी डालेंगे। सूजी को 30 सेकंड तक भूनने के बाद में हम ये उड़द की जो धोई का पिसा हुआ हमारा है आटा, इसको डालेंगे। अब हम इसमें मक्के का आटा डालेंगे और साथ ही में चावल का भी डाल देंगे। जब ये थोड़ा सा 1-2 मिनट भूनने के बाद में, 1 ही मिनट भूनने के बाद में हम इसमें बेसन मिलाएंगे। बेसन सबसे लास्ट में मिलाएंगे। बेसन थोड़ा महीन होता है, वो जल्दी से चिपकने लगेगा। और आप किसी भी रेसिपी को झंझटी ना समझें, बनाइए, कोशिश कीजिए। जो आपके पास सामान नहीं है उसको स्किप कर दीजिए। लेकिन अब इसमें सौंफ, धनिया, जीरा ये सब चीज़ें ज़्यादा आवश्यक होती हैं। इन्हीं से फ्लेवर बनेगा। आप हमारा चैनल देखते हैं, प्लीज़ लाइक भी किया कीजिए और कमेंट में ज़रूर डाला कीजिए कि आपको हमारा कैसा लग रहा है, हम कैसे बना रहे हैं, आप क्या गलतियाँ हैं। आप लोग कमेंट्स डालने में बहुत कंजूसी करते हैं। आप कम से कम बताइए तो हमें, और आप शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। हम व्यूज से पता चलता है कि आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, मेरी हेल्प नहीं कर रहे हैं। अब हम इसमें बेसन डालेंगे और ये नमक भी, और जितना भी सामान है सब इसी तरीके से इसमें ऐड कर देंगे। आप बाद में नमक और मिर्च का टेस्ट देख लीजिएगा, उसी के अकॉर्डिंग मिला लीजिएगा। और इसमें जब हम बनाते हैं तब हरी धनिया वगैरह, हरी मिर्च वगैरह जब आप चाहें तब उसमें मसाला निकालें डिब्बे से। और ये सब मैं मिक्स करके धनिया मिर्चा और फटाफट कचौड़ियाँ भरिए। कचौड़ी में आप चाहे तो अजवाइन डालें, चाहे तो ना डालें, इसमें पड़ी हुई है। आप मेरी एक बार इस रेसिपी को बनाकर स्टोर कीजिए, फिर देखिए आपको कितना आसानी से काम आपका हो जाएगा। देखिए हमने सारे सामान मिक्स कर दिए हैं, जितने भी सामग्री थी सब मिक्स कर दी है। अब आप इसको 10 मिनट तक धीमी धीमी आंच पर गोल्डन ब्राउन होने तक भून लीजिए।
देखिए हमने भून कर तैयार कर लिया है ये बिल्कुल। आप इसी तरीके से फिलिंग करनी चाहिए तो कर सकती हैं, नहीं तो आपको हम इसकी तैयारी बताते हैं। मान लिया आपने अपना 4 चम्मच बैटर तैयार करना है आपको, तो आप 4 चम्मच ले लीजिए। इसमें धनिया डाल दीजिए, ये हमारा प्याज है इसको भी आप डाल सकती हैं। आपका मन हो तो हरा मिर्चा भी डालें, ना मन हो तो प्याज और हरा मिर्चा स्किप कर सकती हैं। और चम्मच से हल्का हल्का पानी डाल करके इसको इस तरीके से मिक्स कर लें। और जब ये अच्छी, अगर आपको कम लगता है तो आप इसमें से फिर डाल सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप घटा नहीं सकती बढ़ा नहीं सकती, सब चीज डाल सकती हैं इसमें। और 1 चम्मच या 1/2 चम्मच जैसा आपको टेस्ट अच्छा लगे आप इसमें घी ऐड कर दीजिए बस। फिर आप इसका फ्लेवर देखिएगा कैसा लगता है, एकदम चेंज हो जाएगा। हम अपने बच्चों के लिए बहुत बना के रखते हैं और बहुत जल्दी से तैयार होता है, आपकी 10 मिनट में कचौड़ियाँ तैयार हो जाएंगी। ये आप देख सकती हैं, ये देखिए आप, ये देखिए बैटर। और आप ना भी प्याज और सब डालें तो आप इसको भी इसी तरीके से तैयार कर सकते हैं गीला करके। आपको हमारा चैनल कैसा लगा आप कमेंट्स में बताइए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, आप हमारा प्रोत्साहन बढ़ाइए। और आज का हमारा टिप है कि जब हमारे किचन में या कहीं भी चींटियां बहुत लगती हैं तो आप क्या करें, इस नारियल का तेल लेकर के इसको गर्म कर लीजिए, हल्का गुनगुना से, थोड़ा सा ज्यादा आपको करना है इस तरीके से। और जब गुनगुने से थोड़ा ज्यादा हो जाए तो इसमें आप कपूर डाल दीजिए। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहती हैं तो कपूर को गर्री के तेल में डालकर उसको गर्म जगह पर जहां से धूप दिखती हो आप उसमें डाल दीजिए, ये बिल्कुल पिघल जाएगा। जब गुनगुना होगा तेल आपका बिल्कुल पिघल जाएगा। और इस तरीके से डिब्बे में किसी भी शीशी में करके आप रख लीजिए और इसको बंद कर दीजिए। अगर आप बंद नहीं करेंगे तो आपका सारा कपूर उड़ जाएगा। और इसमें इस तरीके की बीट डाल दीजिए। अब आप जब कभी किसी चीज में डिब्बे में शक्कर में आप चींटियां लगती हैं तो इस तरीके से लगा दीजिए, आप इस तरीके से किसी भी चीज में लगा दें और आपको चींटियां बिल्कुल इसके आसपास नहीं आएंगी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप अपना बना के किचन में रख लीजिए इस तरीके से। थैंक यू।